हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हो और मस्त हो, आप सब स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, आप सबका सोल पर्पस पूरा हो, आप सबकी रीयूनियन हो, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। सो माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। बस अब अपने आप को बैलेंस कीजिए, पेशेंस रखिए और सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ सोच कर रखा है। आप दर्द, पेन, सेपरेशन में रहेंगे तो वहां से नहीं निकल पाएंगे और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, आप अपने ऊपर बैलेंस करें। सबसे पहली बात कि आप अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव करें, खुद से जुड़े, किसी से उम्मीद ना करें। अपना जो भी एक सेल्फ लव होता है, जो आपको सेल्फ लव देता है, दुनिया की कोई खुशी आपको नहीं दे सकती है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो आपके और बहुत लोग आने लगते हैं, बहुत आपकी रिगार्ड करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं और नए सिरे से आपको अपने नजरिए से देखना शुरू करते हैं और आपके लाइफ में शांति, पीस, बहुत कुछ आता है, जिससे आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो चलिए डियर, ये है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, ये है कलेक्टिव रीडिंग, ये ऑल साइन के लिए है, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब के लिए है। तो अपने पर्सन का नाम सोचिएगा और फोकस वहीं पे रहिएगा और एंजल्स से गाइडेंस मांगिएगा और बोलिएगा, एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो डियर, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है, तो पॉजिटिव होकर सुनिएगा। गुस्सा, नफरत को बिल्कुल लेट गो कीजिए, सबको फॉरगिव कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे बाबू, ठीक है। तो चलिए डियर, पहले थोड़ा मैं आपको सेजिंग कर देती हूँ। सेजिंग बहुत मस्ट है, मैं सुबह शाम घर में करती हूँ, इससे निगेटिविटी लेट गो होता है, घर का जो भी घर में निगेटिव ऊर्जा होती है उसको भी हम लोग लेट गो करते हैं सेजिंग से। जैसे हम लोग हीलिंग गाइडेंस देते हैं तो भी हम खुद को भी, अपने आप को भी ये क्लीन करते हैं, क्रिस्टल को भी चार्ज करते हैं हम लोग, क्रिस्टल से भी, इसे क्रिस्टल भी चार्ज किया जाता है। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइब, मेरी सोल फैमिली, उनके पार्टनर की निगेटिविटी है, सब लेट गो हो जाए। व्यूअर्स की एनर्जी, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मैं भी थोड़ा सेजिंग कर लेती हूँ। नेगेटिविटी लेट गो, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे, ठीक है। आज यहाँ की कैंडल नहीं जली है, एक मिनट मैं कैंडल भी जला देती हूँ। एंजल्स को बुलाना है, स्पिरिट गाइड प्लीज कम, एंजल्स प्लीज कम, प्लीज मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली के, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए बाबू, पॉजिटिव रहे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपने पर्सन के बारे में सोचें, ठीक है। अपना खुद का हेल्थ का ध्यान दें, पार्टनर के लिए हीलिंग सेंड करें, ठीक है। एंजल्स गाइड कीजिएगा, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी इस वक्त क्या है, उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद तो बहुत आ रही है, याद तो बहुत आ रही है आपके पार्टनर को, आपकी, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप जरा अपने हेल्थ का ध्यान भी दीजिए, नींद पूरी कीजिए, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी रहेगी तो आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी होगी बाबू, ठीक है। तो अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, नींद पूरी कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप दोनों नहीं सो पा रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एक दूसरे को चेस कर रहे हो, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं डियर, वो आपको चेस भले ही करते हो लेकिन आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कॉल मैसेज करो, आप उनसे बात करो, आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्यों उन्हें भूल रहे हो, क्या रीजन है,
उन्हें इग्नोर तो नहीं कर रहे हो? ऐसे है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, इस वक्त वो काफी सोच रहे हैं, काफी फूल खिल रहे हैं। डियर, आपके लाइफ में अवेयरनेस सक्सेस सब कुछ है, लेकिन क्या है ना कि इस वक्त आपको अपने ऊपर बैलेंस रखना होगा, ठीक है ना। है बहुत खुशियां आपके लाइफ में, फूल ही फूल खिल रहे हैं। कुछ दिन से मैं देख रही हूँ मेरे व्यूवर्स काफी दिनों से सेपरेशन में है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट है मेरे कुछ व्यूवर्स से, काफी सेपरेशन है, आप काफी सोच रहे हो, बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रही कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर से, लेकिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम, अपने करियर, अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है डियर कि आप उन्हें भूल तो नहीं गई हो, इंटरेस्ट खत्म हो गया है ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने तरफ से पहल नहीं कर रहे, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, तो उन्हें ये लग रहा है कि आप उनको अपने लाइफ में आप कोई मौका चांस नहीं देना चाहते हो, डर भी है आपको खोने का। आप उनके नजरों में आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से बैलेंस करना शुरू किया है, कंट्रोल आप लोग कर रहे हो डियर, ठीक है ना। यही एनर्जी आपके पर्सन की तरफ जा रही है, और वो सोच रहे हैं कि आप कहीं उन्हें इग्नोर तो नहीं करो, इंटरेस्ट खत्म तो नहीं हो गया, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके पार्टनर अभी जैसा एनर्जी में देख रही हूँ इतना सोच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाइफ में अभी करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस, जॉब, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए भी बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं, आपको भी याद कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन अचानक से आपके लाइफ में चेंज आएगा डियर, देखना, अचानक से आपके पार्टनर एक-एक आपके तरफ मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, अचानक से एकदम से चेंज आएगा आप दोनों के लाइफ में। आपकी जगह वो किसी को नहीं दे सकते, ये तो सही बात है, आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन जर्नी में हो, तो ये चीज होता है डियर, आप कितना भी किसी से आप इंगेज हो, फ्लर्टिंग कर लो, लेकिन जो आपकी जगह है वो किसी और को नहीं मिल सकता, और ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो अपने आप पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर, अपने फाइनेंस पर बहुत ज्यादा फोकस है। मेंटली आप एक दोनों परेशान हो, मेंटली मैं देखूं तो आप दोनों परेशान हो, कुछ की हेल्थ इश्यू मुझे भी दिख रही है, किसी के पार्टनर की हेल्थ इश्यू भी है। मेरे व्यूवर्स मैं बोलूंगी आप अपना हेल्थ का भी ध्यान दें, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, आपके करीब आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है डियर, ठीक है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, अलग सिटी में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है डियर। लेकिन कुछ के पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स भी मैरिड हैं, ऐसी भी एनर्जी है। खुद पर फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर, अभी खुद पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबल होना है और वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स को मैं देख रही हूँ कुछ के पार्टनर लीगल इश्यू से भी गुजर रहे हैं, जो लीगल इश्यू से गुजर रहे हैं आने वाले टाइम में कुछ कार्मिक के साथ जो डील कर रहे हैं उनका एंड होता हुआ दिख रहा है, कुछ के पार्टनर के साथ, सबके नहीं, क्योंकि अभी कुछ के पार्टनर के साथ जो एनर्जी है अभी थोड़ा लंबा है डियर, ठीक है, वो लंबा लीगल इशू चल सकता है, कुछ का टाइम ज्यादा नहीं है, कुछ टाइम के बाद उनके लाइफ से वो कार्मिक का एंड होता हुआ दिख रहा है, जो भी लीगल इशू में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, करते जाओ, बहुत अच्छी बात है, ये एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपके साथ एंजल्स हैं, डिवाइन है, स्पिरिट गाइड है, अपने स्पिरिट गाइड से अपनी हेल्प मांगो, वो आपको हेल्प करेंगे डियर, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड कौन है, जैसे पक्षी में भी बहुत कुछ देखिए, एनिमल्स में भी होते हैं, जिस पर ज्यादा आपको फोकस आ रहा है प्लीज उनसे मदद लीजिए, उनको याद कीजिए, हेल्प मांगिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए बाबू, ठीक है। आपकी हीलिंग हो रही है, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है, तब आपके पार्टनर को हीलिंग मिल रही, तब ये सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन के बारे में अभी उनके माइंड में चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, लेकिन दोनों को मैं देख रही हूँ कि दोनों मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो एक दूसरे को लेकर के, लेकिन कोई
एक्शन लेना नहीं चाह रहा, आप भी खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आपके पर्सन भी कंट्रोल कर रहे हैं, अचानक से दोनों के लाइफ में चेंज आएगा डियर, देखना बिल्कुल अचानक से चेंज आएगा और आप की तरफ वो मैसेज या कॉल कर सकते हैं, अचानक से मिलने की भी बातें कर सकते हैं डियर, ठीक है। खुशी आपसे मिलती है, पीस आपसे मिलती है, दुनिया आपसे है, ये पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे इजहार नहीं बोल रहे, आपसे क्लियर बोल नहीं रहे, वो मन की बातों को मन में दबा रहे, खुद को कंट्रोल करते हैं और वो बातें छुपाते भी हैं डियर, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। वो हर पल कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को वो कंट्रोल कर रहे हैं बाबू, खुद को वो कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। मेंटली बहुत ज्यादा आपके तरफ है, मतलब दिमाग में आप हो, लेकिन आपको भुलाने के लिए वो काम पर फोकस कर रहे हैं, वो काम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि आपको भुला सके और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये सोलमेट जर्नी है, ट्विन जर्नी है बाबू, तो बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे से दूर जाना, भले ही आप फिजिकली दूर हो, मेंटली दूर नहीं हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस किसी तरह का हो सकता है, लेकिन मेंटली बिल्कुल आप लोग करीब हो। आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं डियर कि आप उन्हें कॉल मैसेज करो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर करो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर बैलेंस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है, अब आप खुद को समझ रहे हो, आप गाइडेंस ले रहे हो या फिर हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ जा रही है डियर, ऐसी एनर्जी है। लेकिन खुद पर विश्वास करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, जो भी परेशानियां आती है, जो भी निगेटिविटी आती है, उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि अभी जो एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस वक्त डियर अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बोलूंगी कि आपको यहाँ नहीं जाना है इस एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, तो हर लोग की अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है, सबको रेजोनेट करे ना करे, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, बहुत लोग की एनर्जी इसमें होती है डियर, हजारों लोग की एनर्जी होती है, तो सबको थोड़ी रेजोनेट करती भी नहीं भी करती, बट आप लोग अपनी अपनी एनर्जी देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, काफी सोच रहे हो क्या होगा हमारा भविष्य, ये आप सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन भी अपने ऊपर फोकस करें, अपना भविष्य बनाना जानते हैं, अपने कहीं ना कहीं देखिए कुछ के पार्टनर को मैं देख रही हूँ फाइनेंस के ऊपर फोकस है, ये आपके उनके बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके ऊपर भी फोकस है, उनको भी अच्छा लाइफ देना चाहते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाना चाहते हैं और फोकस अपने करियर फाइनेंस के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ के पार्टनर के लाइफ में लीगल इश्यू जो चल रहा है वो किसी भी जो कार्मिक के साथ डील करे आपके पार्टनर, कुछ लोग का, सबका नहीं, कुछ का लंबा खींच रहा है बाबू, कुछ लोग का मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है वो लेट गो करेंगे, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ वो टेंशन में है, ऐसा नहीं है परेशानी है उनके लाइफ में, क्योंकि अभी परेशानियां से वो गुजर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि उनकी परेशानी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो डियर कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी आप चाह लोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है हर सेकंड पे चेंज होती है, चाहे वो किसी भी इंसान का हो, ठीक है, हम हो, आप हो, आपके पार्टनर, हजारों मेरे व्यूअर्स हो, हर वक्त हर समय की एनर्जी चेंज होती है, तो ये आपके पार्टनर की जो एनर्जी इस वक्त है, कुछ के पार्टनर हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, कुछ के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ आप लोग मैरिड हो सकते हो, कुछ के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स अनमैरिड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनके पार्टनर भी अनमैरिड हो सकते हैं, बट वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, लेकिन आप उनके दिल दिमाग में हो, इसलिए थोड़ा सा वो काफी सोच रहे हैं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो प्लानिंग करें कि स्टैंड लेंगे तो लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए क्या हो, ठीक है, और वो भी वो जानते हैं कि आप वो खो नहीं सकते, खो देंगे तो फिर वो जी नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी एक कमी क्या है कि सोसाइटी से बहुत डर है उनको, ठीक है, मान सम्मान अच्छी लाइफ जीना आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ के पार्टनर जो हैं अभी हाल में ही किसी की पेरेंट्स से झगड़े हुए हैं, ठीक है, किस लिए कि वो आपसे शादी होने देना नहीं चाहते हैं, ठीक है,
और उनकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उनको भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं और आपको भी इधर क्लियर नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन है कुछ के पार्टनर की, लेकिन यहाँ मैं बोल दूं बाबू कि आपको ना ही इधर जाना है ना ही उधर जाना है, ना ही पास्ट के लिए सोचना ना ही फ्यूचर के लिए सोचना है, क्योंकि आपके लिए अच्छा भविष्य है। ठीक है, भविष्य अच्छा, अपना करियर के ऊपर फोकस कीजिए, अपना हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि कदर तभी आपकी होगी जब आप खुद का सम्मान करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन भी है, आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, स्टैंड लेने के लिए अभी सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है, लेकिन आपकी तरफ थोड़ा स्लो है, स्लो मूवमेंट है। ठीक है, अभी वो खुद कंफ्यूजन में है। तो कुछ के पार्टनर अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, कुछ के बच्चे भी हैं, कुछ मैरिड भी हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन घूम फिर कर आ रहा है, लेकिन अभी आपका डिवाइनिंग टाइम नहीं आ रहा बाबू, इसलिए बहुत है तो कॉल मैसेज अचानक से आपके तरफ आ सकता है, वो मुलाकात करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है, तो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचे। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, हजारों लोग देख रहे हैं, सबकी अलग अलग एनर्जी है, सबको पूरा मैच नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत करता है, किसी को पूरा भी कर जाता है, तो ये आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बैलेंस थोड़ा मैं देख रही हूँ ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको ना जो बैलेंस है एकदम बराबर करके चलना है, एकदम बराबर, आपको सोचना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, कहा ना पास्ट फ्यूचर में नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, आज में जीना है, मैनिफेस्ट भी आपको प्रेजेंट में करना है, आज में जीना है, तो उधर मत सोचिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। जब करियर आपका चमकेगा तब आपको दुनिया समझ पाएगी, पार्टनर भी समझ पाएंगे, क्योंकि आप उधर इग्नोर करना शुरू करते हो, माइंड को उधर बिल्कुल नहीं ले जाते हो, अपने पर फोकस करते हो, तब आपके पार्टनर को अंदर से ये फील होता है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, तब वो आपके तरफ एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। कुछ एंजल्स गाइडेंस मैं ले लेती हूँ, क्या एंजल्स बोल रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं एंजल्स, एंजल्स गाइड कीजिए। देखिए, डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। देखिए, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आप जैसे हो जहां हो आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, अपना करियर, अपने फाइनेंस पर, अपने हेल्थ पर, अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो, जैसे सोलमेट जर्नी में, ट्विन जर्नी में, आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। एंजल्स बोल रहे हैं आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है, देख देती हूँ, लेट गो, देखिए डियर, लेट गो, आपको कुछ लेट गो करना है। ठीक है, लेट गो आपको करना है, इम्प्रूव आपका हेल्थ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है बाबू। ठीक है, देखिए तीन कार्ड निकले हैं। ठीक है, तीन कार्ड में आपको सोचना है कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेट गो आपको करना है, हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो ये तीन कार्ड आपका निकला है बाबू, तो प्लीज फोकस करें, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, अपने ऊपर काम करें, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना, निगेटिविटी को लेट गो करना है। ठीक है, फॉगिव भी करना है, हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का, एंजल मैसेज आपको दे रहे हैं, तो प्लीज उन्हें फोकस करें। चलिए डियर, ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।